मैं बहुत अच्छा हूँ त्रिपाठी जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पत्थर के सनम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने पत्थर जैसी बॉडी बनाई है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने पत्थर जैसी बॉडी बनाई है, लेकिन अगर मैं पत्थर जैसी बॉडी भी बना लूंगा तो पत्थर के सनम तो हीरो ही होंगे। मैं हीरो थोड़ी हूं, नहीं, हीरो ही होंगे। हाँ बिल्कुल। पत्थर का नहीं, मेरा तो ये त्रिपाठी जी, मैं डाइटिंग पे हूँ और डाइटिंग का मतलब होता है डट के ईटिंग, तो उसका प्रमाण आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सब लोग डाइटिंग पे, ये नहीं है, नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। हाँ, पत्थर के सरम जैसा कि नाम है, एक पुरानी बहुत हिट फिल्म थी मनोज कुमार जी की, तब से मैं इनका गाना गुनगुनाता रहता हूँ। लेकिन उस फिल्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। सनम तुझे मैंने पत्थर खुदा मारा, लेकिन इस फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं। पत्थर के सनम कल्लू की ये फिल्म है और इसके जो निर्देशक है, नए निर्देशक है, डुओ मतलब दो मिल के नीरज जी और रणधीर जी इसका निर्देशन करेंगे। और ये भोजपुरी के लिए एक उम्दा स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा फिल्म का टाइटल है वो कहानी से बहुत रिलेट करता है, तो आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि ये फिल्म जब बन जाए तो प्लीज़ आप सब इसे देखें। हाँ, तो हमसे कुछ, हाँ, पत्थर के सनम। सनम कभी पत्थर का हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ है। पत्थर मतलब हार्ड, हार्ड मतलब कठोर। मैं तो बहुत सॉफ्ट हूँ, तो पत्थर के सनम जैसा टाइटल है वैसा दर्शक बहुत समझदार है और दर्शक लोग समझ भी रहे होंगे कि टाइटल से कल्लू का ही वास्ता होगा, क्योंकि हीरो वही है तो उनका वास्ता है। तो पत्थर के सनम पत्थर है, बट अंदर से सॉफ्ट है, नारियल पत्थर जो ऊपर से सख्त और नारियल वाला पत्थर है। तो बाकी अभी बता दूंगा तो फिर दर्शक लोग देखेंगे क्या है। और मेरा जो हमेशा की तरह जैसे गुदगुदाता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, गुदगुदी करता रहता हूँ, वैसे उसी में पत्थर को मोम बनाने में मैं एक थोड़ा सा सहयोग करूँगा जी। हाँ नहीं, सही है, क्योंकि वो हम लोग होने मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और ये नीरज जी और रणधीर जी की पहली फिल्म है भोजपुरी फिल्म, तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस फिल्म को बनने का जरूर देखें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। और इस फिलहाल तो जो मुहूर्त हुआ है उसका आशीर्वाद दें, क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं सर, और हम लोग हंसी मजाक में बहुत कुछ उड़ा देते हैं और एक झटके में सब कुछ यस और नो कर देते हैं। तो प्लीज़ 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 ये फिल्म हो या भोजपुरी की कोई भी फिल्म हो, आप लोग ज़रूर देखिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है कि हर दिन नए लोग तो चाहेंगे कि इंडस्ट्री में मोस्ट वेलकम है। और सबसे पहले सावन के पावन महीना में आप सब मीडिया के धन्यवाद दिल चाहब कि पत्थर के सनम के साथ आप सब पब्लिक तक पड़ोसी ला, आप सबके आशीर्वाद प्यार बा। और हमारा तरफ से भोजपुरी फिल्म के जो पत्थर के सनम जो ना के नाम बा, एमे मैक्सिमम लोग हमारे मित्र बड़े, हमारा से जुड़ल लोग बड़े, और ये फिल्म के हमारे सभी अजीजों में से हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और कल सुबह यानी सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं भोले बाबा से भी कृपा करूँ कि हमारे अजीज मित्र जो फिल्म के हिस्सा हैं, हमारे बड़े भाई उदेश जी, छोटू और छोटा भाई कल्लू, सबके लिए हर हर महादेव है और शुभकामना है इस श्रावण के पावन महीने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हाँ, कुछ ब्रेकिंग कुछ न्यूज आया है, न्यूज है तो थोड़ा सुबह जी, अभी तक तो आप लोगों ने देखा है भोजपुरिया काका जो ये है, जो कि अरुण जी हैं, अभी एक नया टाइटल मिला है भोजपुरिया मौसा, जो हमारे रोहित सिंह मटरू जी ने मिला है। हाँ, इंडस्ट्री में मुझे इसी फिल्म से पत्थर के सनम के सेट आज ये नवाजा गया है। तिलक कर दिया था कल्लू जी ने, लेकिन आज से आज ये घोषणा, हाँ तिलक राज तिलक कल्लू जी का था, बट भोजपुरिया मौसा मुझे बना, घोषणा ये भोजपुरिया काका और ये भोजपुरिया मौसा, मामा भी हो सकता है, मामा को ढूंढिए आप लोग, अभी तो मौसा का हो गया है, मौसा का तगमा मिल गया है, तो आप सभी को भोजपुरिया मौसा के तरफ से पत्थर के सनम के सारे टेक्नीशियन, सारे कलाकार, अवधेश जी, कल्लू जी और जितने भी लोग हैं, देव जी, सुबोध जी, भोजपुरिया काका जी, सबको बहुत 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 बधाई। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।